विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनका कोई स्टैंड नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सहित सभी पार्टियां भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक दंगे सपा शासनकाल में होते हैं। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी ठेकों की लूट होती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है, उसमें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस प्रकार का एक बड़ा परिवर्तन नॉर्थ ऑर्डर के क्षेत्र में हुआ है, जिसके हम साक्षी रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प एक महायज्ञ चल रहा है। लोकतंत्र के इस महापर्व को उसको पूरा करने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के बड़े बड़े साथी, विभिन्न राजनीतिक दलों में काम करने वाले हमारे नेतागण लगातार भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आज उसी अनुक्रम में बहुत ही सीनियर IPS अफसर रहे, बहुजन समाज के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम करने वाले आदरणीय प्रेम प्रकाश जी ने भारतीय जनता पार्टी परिवार को ज्वाइन किया है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाइयां देता हूं और निवेदन करना चाहूंगा प्रेम प्रकाश जी से कि अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है। जहां जहां अभी पोलिंग है वहां पूरी ताकत और लगन के साथ लग करके इस यज्ञ में अपना भी योगदान प्रदान करें। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से दुनिया में जिस ढंग से भारत माता का परचम बुलंद हुआ है, आज भारत जो बोलता है दुनिया सुनती है, इस बदलाव को देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने समझा है। आज हम कह सकते हैं कि 5 चरणों में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल कर रही है। शेष 2 चरणों में जो 25 और 1 तारीख को है, इन 2 चरणों में भी भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। विपक्षी गठबंधन पूरी तरह से डिरेल्ड है, उनका कोई स्टैंड नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सहित सभी पार्टियां भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के लोग आज भी इनकी गुंडई अराजकता माफियागिरी को लोग भूले नहीं है। अभी 2 दिन से लगातार मीडिया में फुटेज सोशल मीडिया पर हम लोग देख रहे हैं, टेलीविजन पर देख रहे हैं कि जिस ढंग से समाजवादी पार्टी के मुखिया को उनके ही कार्यकर्ता उनका भाषण नहीं होने दे रहे, मंच पर चढ़ जा रहे, बैरिकेडिंग तोड़ दे रहे, ये उद्दंडता पूरे प्रदेश के लोगों ने देखा। और आप सोचिए जब ये लोग पावर में आते हैं तो प्रदेश की कानून व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक दंगे सपा शासनकाल में होते हैं। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी ठेकों की लूट होती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के शासनकाल में बहु बेटी की इज्जत आबरू खतरे में होती है। मैं कह सकता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार में, योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था नंबर 1 पर है। डेवलपमेंट मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास डेवलप हो रहा है। युवाओं को बगैर सिफारिश के आधार पर, बगैर जुगाड़ किए सरकारी नौकरी 6.5 लाख से अधिक पारदर्शिता के मेधा के साथ देने का काम उनकी बुद्धि के बल पर हमारी सरकार ने किया है। कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की विभिन्न योजनाओं ने किया है। मुद्रा लोन योजना के माध्यम से करोड़ों नौजवानों को सीधे रोजगार से जोड़ने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ये जो महासभा लोकसभा का चुनाव चल रहा है, हम 80-80 सीटें जीतेंगे प्रचंड बहुमत के साथ। सरकार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। और आप देख रहे हैं कि जिस ढंग से लोगों को गुमराह किया जा रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा है, देश के लोगों ने देखा है, केजरीवाल जी जैसा बहुरूपिया ढूंढने नहीं मिलेगा, वो भी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। केजरीवाल कहते थे कि हम सरकार नहीं बनाएंगे, हम लोकपाल के लिए आवरण अनशन कर रहे हैं, सरकार बनाई
सरकार बनाई तो करोड़ों का घोड़ा दिल्ली के लोगों ने देखा, और हद तो हो गई महिला अधिकारियों अधिकारों के लिए लड़ने वाली बहन स्वाति मालीवाल जी के साथ, जिस ढंग से दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में मारपीट हुई है, अभद्रता हुई है, उनके शरीर पर जिस ढंग से लात घूंसे बरसाए गए हैं, देश की महिलाओं से केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए और इंडी गठबंधन के लोगों को बताना चाहिए कि केजरीवाल किस ढंग से बेशर्मी के साथ इंडी गठबंधन के डैश को शेयर कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए। महिला पोल पर इंडी गठबंधन पूरी तरह से चुप्पी साधे है। दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को आरक्षण देकर के उनके सम्मान से जीने का हक उन्हें प्रदान करने का काम किया है। मैं बहुत अधिक न बोलते हुए आप सबका पुनः आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी, वृंदराज जी, सम्मानित मंच और हमारे सम्मानित पीठ, आज मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही और एक बहुत बड़ा जो देश का कर्ज अपने ऊपर है उसे उतारने का अवसर मिल रहा है कि एक ऐसी पार्टी जो पूरी तरह से समर्पित है 2047 तक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए, कि मैं भी उसका हिस्सा बनूं, इसी अंत में अपनी आहुति दी। बहुजन सशक्तिकरण संघ के रूप में हमने बहुजनों की लड़ाई लड़ी है, नौकरी में रहकर भी और नौकरी के बाद भी काफी चिंतन किया। रिटायरमेंट के बाद लोगों को लगता है कि शायद सत्ता की भूख है, एमपी एमएलए बनना चाहते हैं, इसलिए जाना चाहते हैं। मैंने पहले ही ये इशारा करके थे कि मैं अभी मेरा कोई विचार नहीं है इलेक्शन का, और पूरे समाज के लोगों ने मेरा उत्साह प्रदान किया। आज ही मैंने अपने चैनल नौ प्रेम प्रकाश के जरिए जब लाइव सेशन किया तो उसमें लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने जो हमसे जुड़े हुए थे या विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए थे, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की और कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित राष्ट्र का सपना है उस पर अपनी आहुति दूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प किया है उसमें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस प्रकार का एक बड़ा परिवर्तन नॉन रोड के क्षेत्र में हुआ है, जिसके हम साक्षी रहे हैं, उसके भागीदार रहे हैं। आज हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से संगठन और प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं, गुंडा माफिया राज ये बिल्कुल दूर यहाँ से भगाया गया, उसके लिए बड़ा अथक प्रयास किया सभी लोगों ने। तो मैं पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ, और मेरा जो जीवन है वो समर्पित रहेगा अपने बहुजनों के लिए, अपने गरीब कल्याण के लिए। आज एक बात उठाई जा रही है, मुझे सबसे ज्यादा वेदना होती है जब आरक्षण की समाप्त करने की बात करते हैं, संविधान बदलने के लिए लोग आह्वान कर रहे हैं कि पार्टी ने इसलिए एक नारा दिया है कि अगली बार 400 बार, केवल इसलिए दिया है कि संविधान बदले। संविधान बदलना इतना आसान है, केशवानंद भारती जजमेंट के बाद ये निश्चित हो गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की इस बार जयंती पर 14 अप्रैल को जब मैं पार्लियामेंट हाउस गया, वहाँ सबको ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इस बार प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे, लेकिन जब वहाँ सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो वहाँ जनता में एक हर्ष की छा गई और लोगों को लगा कि हाँ, ये एक केवल एक ऐसा जुमला छोड़ा जा रहा है, केवल पार्टी बाजी से प्रभावित होकर लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से रूलिंग पार्टी को बदनाम किया जाए। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि अपने जो साथी हैं उन सबको मैंने आश्वस्त किया कि यदि बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए जो कदम उठाए हैं, चाहे वो स्मारक के रूप में हो, चाहे योजनाएं हो गरीब कल्याण के लिए, बहुजन समाज के एक जितने भी युवा हैं उनको स्वरोजगार देने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इस बार यदि हम सब पार्टी को चुने सत्ता में लाएंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इसी प्रकार अपना नेतृत्व प्रदान करेंगे तो वह दूर नहीं कि हम पूरे विश्व में नंबर एक पर होंगे। मेरी सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। नहीं, मैंने जो जितने भी मुख्यमंत्री यहाँ पर हुए हैं, जितनी भी पार्टी की सरकारें हुए, सब मैंने मेल लाइन में फील्ड में काम किया। मैं आदरणीय कल्याण सिंह जी के साथ भी रहा, आदरणीय गुप्ता जी के साथ रहा, आदरणीय मुलायम सिंह जी के साथ दो बार रहा,
और बहन जी के साथ भी काफी निकटता रही। और आप देख रहे होंगे कि आज की सरकार आधे लोग वो हैं जो बहन जी के साथ या काशीनाथ जी के साथ रहे। आज भी जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं उनमें देखिए कि वो एक बहुजन मूवमेंट की उपज है, जिनका दुख दर्द जनता का उन्होंने देखा है। विचारधारा हर पार्टी की अपनी एक अलग विचारधारा होती है, ये विचारधारा बेस्ड पार्टी है। बीएसपी भी एक विचारधारा बेस्ड पार्टी है, उसकी अपनी अलग विचारधारा है। बीजेपी की जो विचारधारा है, जो आपने देखा होगा कि इसमें एक आम व्यक्ति का, चाहे वो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हो या उसके बाद भी जितने मूवमेंट चले हैं, उन्होंने बात की है एक गरीब कल्याण की, जो अब एक आपने देखा सबका साथ सबका विकास उसमें परिणित हो चुकी है। ये धारणा बहुत बहुत धन्यवाद। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।